नमस्कार, विकीपी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी के भाषण के बाद से राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक गवर्नर के तौर पर जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं होती। तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने एक ट्वीट में फोटो कैप्शन दिया है कि मराठी आदमी को मूर्ख मत बना। वहीं शिवसेना के एक बागी विधायक ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना के उपनेता अर्जुन खोतकर 31 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े में शामिल होंगे। तो उधर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कल देर रात नासिक पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ यहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। इसी बीच मुंबई में 22 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी के भाषण के बाद से राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। राज्यपाल के इस बयान के बाद से शिवसेना और कांग्रेस हमलावर हो गई है और इस्तीफे की मांग कर रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाषण की निंदा करते हुए कहा कि राज्यपाल ने मराठी गौरव को आहत किया है, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से राज्यपाल द्वारा दिए गए बयानों की निंदा करने का भी आग्रह किया। दरअसल राज्यपाल ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो महाराष्ट्र के पास कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को अब भारत की आर्थिक राजधानी नहीं कहा जाएगा। राज्यपाल ने कल शुक्रवार को मुंबई के अंधेरी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मारवाड़ी गुजराती समुदाय की प्रशंसा की और कहा कि वे जहां भी जाते हैं अस्पताल स्कूल आदि बनाकर जगह के विकास में योगदान करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक गवर्नर के तौर पर जो बोलते हैं और करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं होती। ये कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम दो के आदेश का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस भाषण पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाता है तो राज्य के पास कोई पैसा नहीं बचेगा और मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी नहीं कहा जाएगा। मराठी में एक पोस्ट शेयर करते हुए राज ठाकरे ने कैप्शन दिया है कि मराठी आदमी को मूर्ख मत बनाओ। यदि आप महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इसके बारे में बात ना करें। राज ठाकरे ने राज्यपाल का पद बहुत सम्मानित पद है ऐसा कहा, इसलिए लोग इसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके बयान से महाराष्ट्र की जनता आहत हुई है। उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी से आगे सवाल करते हुए कहा कि राज्य में मराठी लोगों की वजह से नौकरी के अच्छे अवसर पैदा हुए, इसलिए दूसरे राज्यों के लोग यहाँ चले आए है ना, क्या उन्हें ऐसा माहौल कहीं और मिलेगा? चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसी को भी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। ये मत समझो कि हम इस पर विश्वास करने के लिए निर्दोष है। मराठी आदमी को मूर्ख मत बनाओ, मुझे अभी यही कहना है। बता दें कि राज्यपाल ने कल शुक्रवार को मुंबई के अंधेरी में एक चौक का नाम दिवंगत शांति देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पर रखने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। शिवसेना के एक बागी विधायक ने दावा किया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और शिवसेना के उपनेता अर्जुन खोतकर 31 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री और औरंगाबाद जिले के सिल्लोड निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अब्दुल सत्तार ने यह दावा किया है। ये उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि खोतकर जनाधार वाले नेता है, वो जालना जिले से आते हैं। 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में भी वे मंत्री थे। उन्हें हाल ही में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे द्वारा शिवसेना के उपनेता के पद पर पदोन्नत किया गया था। सत्तार ने कहा कि विद्रोही खेमे में शामिल होने को लेकर खोतकर पहले असमंजस में थे, लेकिन मैंने उनका भ्रम दूर किया। अब वो 31 जुलाई को सिल्लोड में एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल होंगे। उनके साथ स्थानीय बाजार समिति के सदस्य पूर्व पार्षद भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के खिलाफ खोतकर को मैदान में उतरने के लिए उनके पिछले बयान के बारे में पूछे जाने पर सत्तार ने कहा कि जालना लोकसभा क्षेत्र पर हमारा दावा अभी भी बना हुआ है, लेकिन दानवे और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों को इसे छोड़ देना चाहिए। राज्य में राजनीतिक स्थिति अब बदल गई है।
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कल देर रात नासिक पहुंचे थे। अपने समर्थकों के साथ यहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने पाथरडी फाटा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का सामना करने वाले किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आज अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। शिंदे ने कहा कि राज्य में बनी गठबंधन सरकार आम कार्यकर्ताओं की सरकार है। उन्होंने कहा कि नासिक जिले के त्र्यंबक सहित सभी तीर्थस्थलों को पंढरपुर तीर्थस्थल की तरह विकसित किया जाएगा। नासिक में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की भी योजना बनाई जा रही है और सरकार नासिक को विकास कार्यों से बदलने से नहीं हिचकेगी। नासिक में थोड़े समय के लिए रुके मुख्यमंत्री के पहले दौरे में कुछ देरी जरूर हुई, लेकिन शिंदे समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रात 8 बजे से पाथरडी फाटा में भारी भीड़ लगा दी। शिंदे के स्वागत में हेमंत गोडसे, सुहास कांडे, पूर्व विधायक काशीनाथ मेंगल जैसे दिग्गज स्थानीय नेता भी मौजूद थे। वहीं उद्धव गुट का दावा है कि नासिक में कोई भी शिवसैनिक शिंदे का साथ नहीं देगा। हालांकि मंच पर नगर निगम की स्थायी समिति की पूर्व अध्यक्ष मामा ठाकरे समेत कई शिवसैनिक मौजूद थे। मुंबई में 22 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुजरात से गिरफ्तार किया गया 19 वर्षीय युवक महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाता था और उन्हें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देता था। वो महिलाओं से उन वीडियो को हटाने के लिए जबरन वसूली करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी व्यक्ति ने महिलाओं के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी तस्वीरें ली थी और फिर उन तस्वीरों का इस्तेमाल कर उनसे अश्लील क्लिप बनाई। मुंबई के पुलिस उपायुक्त संजय पाटिल ने कहा कि आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित की सोशल मीडिया तस्वीरें लेता था और उसमें कुछ अश्लील क्लिप जोड़ता था। उन्होंने बताया कि अश्लील क्लिप बनाने के बाद वो उन महिलाओं तक पहुंचाता और उनसे कंटेंट को हटाने के लिए पैसे मांगता था। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मुंबई में 22 से अधिक महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए थे। वो अश्लील मीडिया से कंटेंट हटाने के बदले उनसे पैसे वसूल करता था। आरोपी को शुक्रवार 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखा गया था। अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर प्रणव भट्टाचार्य ने इस बात की पुष्टि की है कि कई लग्जरी कार पिछले 3 महीनों से गायब है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने वाले हैं। वहीं भारत में पहली बार हो रहे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने एक साथ कोई मंच शेयर किया हो। तो उधर पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा के रवैये पर बवाल हो गया है। कल गंदे फटे गद्दे पर लेटाने से आहत बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने आधी रात को इस्तीफा दे दिया। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर पलटवार किया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर प्रणव भट्टाचार्य ने इस बात की पुष्टि की है कि कई लग्जरी कार पिछले 3 महीनों से गायब है। उसने ये भी बताया कि होंडा सिटी को छोड़कर बाकी कारों को उसे चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसने ये भी बताया कि पार्थ चटर्जी कभी कभी मैडम से मिलने आते थे। हाल ही में निलंबित हुए मंत्री को उनके घर में प्रवेश करते देखा था। अर्पिता के ड्राइवर ने कहा कि जब ईडी अधिकारी आए तो मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने मुझे अंदर बैठने के लिए कहा और मुझे इंतज़ार कराया। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और अर्पिता के ठिकाने के बारे में पूछा। ईडी अधिकारियों ने फ़ोन नंबर लिया है और कहा है कि जब भी उसे बुलाया जाएगा उसे आना होगा। सूत्रों ने खुलासा किया कि पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने बताया कि कोलकाता के डायमंड सिटी परिसर में उनके आवास से 4 लग्जरी कारें गायब हैं। ईडी द्वारा अर्पिता को फ्लैट से गिरफ्तार किए जाने के बाद से कारें गायब है। अधिकारी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के जरिए लापता कारों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईडी ने 22 जुलाई अर्पिता मुखर्जी के आवास से 21.90 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। फिर अर्पिता मुखर्जी के दूसरे अपार्टमेंट से 28.90 करोड़ रुपए नगद, 5 किलो से अधिक सोना और कई दस्तावेज बरामद किए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने वाले हैं। जी हाँ, बाएं हाथ के बल्लेबाज दादा लीजेंड्स लीग क्रिकेट में एक विशेष क्रिकेट मैच खेलते नजर आएंगे। गांगुली ने इंस्टाग्राम पर यह घोषणा करते हुए पुष्टि की कि वो लीजेंड्स लीग क्रिकेट के सीजन 2 में एक विशेष मैच खेलेंगे।
मतलब भारतीय प्रशंसक सौरव गांगुली को एक बार फिर से खेलते हुए देख पाएंगे। हालांकि ये एक चैरिटी मैच होगा। भारत के पूर्व कप्तान और दादा के नाम से फेमस गांगुली ने इस मैच के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है और वो जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। जिम की अपनी तस्वीरें भी गांगुली ने पोस्ट की है और उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में अपने लीजेंड्स लीग क्रिकेट के खेलने की पुष्टि की है और बताया है कि वो इसमें क्यों भाग लेने जा रहे हैं। गांगुली ने कैप्शन में लिखा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए फंड जुटाने के एक चैरिटी मैच के लिए तैयार होने के लिए ट्रेनिंग का आनंद ले रहा हूँ। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष और लीजेंड्स लीग क्रिकेट के शीर्ष दिग्गजों के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट में जल्द ही कुछ क्रिकेट गेंदों को हिट करना है। सौरव गांगुली ने 113 टेस्ट और 311 एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने सभी प्रारूपों में 18,575 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में 195 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और उनमें से 97 मैच जीतने में सफलता हासिल की। भारत में पहली बार हो रहे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस एनवी रमना ने एक साथ कोई मंच शेयर किया हो। मोदी ने कहा कि हमारे गांव-गांव में लोग ऑनलाइन पेमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुनिया का 40% ऑनलाइन पेमेंट भारत में होता है, इसमें हम सबसे आगे हैं। मोदी ने अपना भाषण श्लोक सुनाकर शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ये विश्वास है कि जब कोई नहीं सुनेगा तब न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश उसके अधिकारों की रक्षा कर रहा है। मुझे बताया गया है कि हमारे देश में जिला कोर्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा केस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाए जाते हैं। 60 लाख केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी सुने गए हैं। ये अच्छा मैसेज है कि हम खुद को लगातार बदल रहे हैं। इसका श्रेय आप सभी को जाता है। मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी जजों के बीच आना बड़ा सुखद होता है लेकिन बोलना कठिन हो जाता है। इस अवसर पर उपस्थित अन्य सदस्यों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। न्यायमूर्ति एनवी रमना भी मुस्कुरा कर रह गए। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा के रवैये पर बवाल हो गया है। कल गंदे फटे गद्दे पर लिटाने से आहत बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने आधी रात को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सीएम भागवत मान को इस्तीफा भेज दिया। इसके बाद अमृतसर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन, मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर केडी सिंह और वीसी के सेक्रेटरी ओपी चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने इसकी वजह निजी कारण बताए हैं, लेकिन इसके पीछे मंत्री का रवैया ही बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कल फरीदकोट अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान वो स्किन वार्ड में पहुंचे, वहां गद्दे फटे और जले हुए थे। ये देख मंत्री जोड़ा माजरा तेश में आ गए। उन्होंने इस पर अफसरों से जवाब तलबी की और वाइस चांसलर को उसी जगह पर लेटने को कहा। वाइस चांसलर थोड़े हिचकिचा रहे थे तो मंत्री ने खुद हाथ से पकड़कर उन्हें लेटने को कहा। उस वक्त पूरा स्टाफ और मीडिया वहां मौजूद था। इसके बाद इसका वीडियो वायरल हो गया। आम आदमी पार्टी सरकार के विवाद में फंसने वाले चेतन सिंह जोड़ा माजरा दूसरे मंत्री है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला करप्शन केस में फंसे थे। उन्हें सीएम भागवत मान ने बर्खास्त किया था। इस वक्त वो जमानत पर है। अब जोड़ा माजरा भी विवाद में फंस गए हैं। मेडिकल बिरादरी उनका विरोध कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर पलटवार किया है। चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शिकायत की कि ईरानी ने लोकसभा में भद्दे ढंग से राष्ट्रपति का नाम लिया था। कांग्रेस नेता ने स्पीकर से मांग की कि ईरानी पर कार्रवाई की जाए। चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री ईरानी ने सदन में अपने संबोधन के दौरान चिल्लाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया था। उन्होंने मैडम या श्रीमती शब्दों को राष्ट्रपति के नाम के साथ इस्तेमाल नहीं किया। ये देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान मुर्मू को नीचा दिखाने जैसा है। स्पीकर को लिखे पत्र में चौधरी ने कहा कि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से श्रीमती स्मृति ईरानी सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदया का नाम ले रही थी वह उचित नहीं था। वो माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। ये माननीय राष्ट्रपति के पद के स्तर को कम करने जैसा है।
इसलिए मैं मांग करता हूं कि श्रीमती स्मृति ईरानी के उन शब्दों को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अनावश्यक रूप से खुद को ऊपर दिखाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम को लेकर राजनीति करनी चाहिए। ईरानी ने मामले में बेहद अनुचित व्यवहार किया है। मंकी पॉक्स का खतरा गहराता जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के बाहर स्पेन और ब्राजील में दो लोगों की मंकी पॉक्स के कारण मौत हो गई है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने भारत के प्रति संदेह रखने वाले अपने ही देश के विपक्षी नेताओं की जमकर खिंचाई की है और कहा है कि देश के नेताओं को भारत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। वहीं दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने अब सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को कोर्ट में घसीट लिया है। तो उधर कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को डिफॉल्टर बनने से रोकने के लिए अब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच अमेरिका सीनेटरों ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि तालिबान को यूएन की हर सीट से बाहर किया जाए। दुनिया भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मंकी पॉक्स का खतरा गहराता जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप के बाहर स्पेन और ब्राजील में दो लोगों की मंकी पॉक्स के कारण मौत हो गई। मई में शुरू हुए मंकी पॉक्स प्रकोप के लगभग 70% मामले यूरोप में और 25% अमेरिका में पाए गए हैं। यूरोप में मंकी पॉक्स के मौजूदा प्रकोप से जुड़ी ये पहली मौत मानी जा रही है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के आपातकालीन और सतर्कता समन्वय केंद्र के अनुसार स्पेन मंकी पॉक्स से सबसे अधिक प्रभावित दुनिया के कुछ देशों में से एक है। अब तक स्पेन में करीब 4,298 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आपातकालीन और सतर्क समन्वय केंद्र के अनुसार वायरस के 4,298 मामलों के साथ स्पेन दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। स्पेन में कोरोना के बाद मंकी पॉक्स का खतरा चरम पर है। ये मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। खबर के मुताबिक केंद्र के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार मंकी पॉक्स के 3,750 रोगियों में से 120 अस्पताल में भर्ती थे और एक मरीज की मौत इस मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से हो गई है। एक अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम के नतीजे के नहीं आने के कारण मौत के विशिष्ट कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने भारत के प्रति संदेह रखने वाले अपने ही देश के विपक्षी नेताओं की जमकर खिंचाई की है और कहा है कि देश के नेताओं को भारत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और नेताओं के मन में भारत को लेकर आदर और सम्मान होना चाहिए। दरअसल मॉरिशस के विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर भारत ने एक सैन्य अड्डे का निर्माण किया है। वहीं मॉरिशस ने चीन की एक जासूसी कंपनी को लेकर भी भारत को बीच में लाने की कोशिश की, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को जमकर फटकार लगाई। दरअसल हिंद महासागर में स्थित अफ्रीकी देश मॉरिशस में भारत को लेकर उस वक्त जासूसी विवाद शुरू हुआ है जब पिछले हफ्ते मॉरिशस टेलीकॉम के पूर्व CEO शेरी सिंह के इस्तीफा देने के बाद भारत एक दुर्भावनापूर्ण खेल में फंस गया था। शेरी सिंह ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने उन पर दबाव डाला कि वो भारत की एक टीम को मॉरिशस की टेलीकॉम कंपनी के केंद्र में ले जाएं, जहां भारतीय टीम को जासूस डिवाइस इंस्टॉल करना था। टेलीकॉम कंपनी के CEO शेरी सिंह के इस्तीफे के बाद मॉरिशस में राजनीतिक तूफान मच गया है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री जगन्नाथ के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने अब सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को कोर्ट में घसीट लिया है। इससे पहले ट्विटर ने एलन मस्क को $44 अरब के अधिग्रहण से पीछे हटने के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसके जवाब में अब एलन मस्क ने जवाबी मुकदमा दायर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की तरफ से ये मुकदमा गोपनीय तरीके से दायर किया गया है और 164 पन्नों का ये कम्प्लेन अभी तक सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं हो पाया है। वही अदालत के नियमों के तहत एक संशोधित संस्करण जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। दरअसल एलन मस्क ने पहले ट्विटर को खरीदने के लिए $44 अरब की बोली लगाई थी, जिसके लिए ट्विटर तैयार हो गया था, लेकिन बाद में एलन मस्क ने फर्जी ट्विटर अकाउंट्स का हवाला देते हुए इस डील को एकतरफा रद्द कर दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया था और कोर्ट ने इस सिलसिले में 17 अक्टूबर से सुनवाई के आदेश दिए हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश से चंद घंटे पहले एलन मस्क की तरफ से डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी के चांसलर कैथलिक मैककॉर्मिक के पास ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। कोर्ट अब 17 अक्टूबर से 5 दिनों तक सुनवाई करेगा और फिर फैसला करेगा कि एलन मस्क ट्विटर डील से हट सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान लगभग कंगाल ही हो चुका है।
कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को डिफॉल्टर बनने से रोकने के लिए अब सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोर्चा संभाल लिया है। जानकारी के मुताबिक बाजवा ने अमेरिका से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज दिलवाने में पाकिस्तान की मदद करे। पाकिस्तान इन दिनों अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया था कि पाकिस्तान और IMF के बीच $4 बिलियन के कर्ज को लेकर समझौता हुआ है। हालांकि इस ऐलान का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कोई असर देखने को नहीं मिला। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वर्तमान में $1 की कीमत 239 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो चुकी है। निकेई एशिया के मुताबिक पाकिस्तानी जनरल बाजवा ने कर्ज के लिए व्हाइट हाउस और अमेरिका ट्रेजरी डिपार्टमेंट से संपर्क किया है। बाजवा ने कहा है कि अमेरिका IMF पर $1.2 बिलियन के रिलीफ पैकेज सप्लाई के लिए दबाव बनाए। इसके अलावा पुराने कर्ज को चुकाने की समय अवधि को भी बढ़ाया जाए। IMF ने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ $1.17 बिलियन के कर्ज को लेकर स्टाफ लेवल की सहमति पर पहुंच चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में लगातार बढ़ती पाबंदियों और मानवाधिकारों की हनन पर अमरीकी सीनेटरों ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि तालिबान को UN की किसी भी सीट से बाहर किया जाए। चारों अमरीकी सीनेटरों ने इस बाबत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर अफगानिस्तान में मानवाधिकार हनने पर चिंता जताई। चारों सीनेटरों ने गुटेरेस से कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अफगानिस्तान में मानवाधिकार की रक्षा में सार्थक कार्रवाई करना चाहिए। हमारा आग्रह है कि तालिबान को UN में अफगानिस्तान के लिए राजनयिक प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए होने वाली क्रेडेंशियल समिति की इस सितंबर में होने जा रही बैठक में एक भी सीट न मिले। उन्होंने कहा कि UN के पास सार्थक कार्रवाई का मौका है, जिसमें वो दुनिया को स्पष्ट संदेश देगा कि यदि तालिबान अफगान महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों को मिटाना चाहता है तो हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। मानवाधिकार निगरानी समूह ने कई बार कहा है कि अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का हनन बढ़ा है। हालांकि तालिबान ने हर बार मानवाधिकारों के उल्लंघन के दावों को खारिज किया है और कहा है कि अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसे मानवाधिकार हनन की श्रेणी में रखा जाए। हालांकि महिला शिक्षा, सार्वजनिक प्रताड़ना के कई मामले देश में बढ़े हैं। तो VKB न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।